नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैक्टर जोन में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रैक्टर से जो टॉपलिंग कनेक्ट करते हैं उसमें आपको तीन छेद आपने देखे होंगे, तो कौन से छेद में कौन सा उपकरण चलाना चाहिए और किस छेद में हमको टॉपलिंग लगानी चाहिए किस उपकरण के साथ, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन छेद दिए हैं और हमने बीच वाले में अभी टॉपलिंग कनेक्ट कर रखी है और ऊपर की तरफ एक पंप लगा है जिसमें एक सेंसर होता है। दोस्तों, इसका जो सेंसर होता है वो ऑटो डिप्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल से पूरा मतलब कनेक्ट रहता है, जो हमारे ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर होती है वहाँ से। तो इसमें दोस्तों अगर ज़्यादा सेंसिंग होती है तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होने लग जाता है, अगर कम सेंसिंग होती है तो मतलब इतना नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन छेद हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला छेद है इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है और जो बीच वाला है उसमें कम होती है और नीचे वाला में बिल्कुल कम होती है सेंसिंग। और दोस्तों, अगर हम किसी भी उपकरण को चला रहे हैं तो कौन से छेद में हमको लगाना चाहिए, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमने कल्टीवेटर पीछे लगा रखा है जो कि हमने बीच वाले में लगाया है, क्योंकि दोस्तों बीच वाले में ना तो कम सेंसिंग होती है ना ज़्यादा होती है, तो इसी में कल्टीवेटर मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है क्योंकि बार बार ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर ज़मीन हार्ड भी हो थोड़ी तो एक समान चलता है, अगर आप ऊपर वाले में लगाते हैं तो कहीं हार्ड ज़मीन आती है तो ऑटोमेटिक ऑटो ड्राफ्ट कंट्रोल से वो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर वाले में जो आप बिल्कुल जो ऊपर उपकरण चलाते जैसे से ड्रिल से जुताई कर बुआई कर रहे हैं तो वो अगर आप इसमें लगा सकते हैं, और बीच वाले में कल्टीवेटर लगा सकते हैं। अगर ज़मीन बिल्कुल बहुत ही हार्ड है तो ऐसी कंडीशन में आप नीचे वाले छेद में भी टॉपलिंग लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो MB प्लाव होते हैं पल्टी प्लाव, उनके लिए टॉपलिंग आप नीचे वाले में लगा सकते हैं, तो इसमें बहुत ही कम सेंसिंग होती है जिससे कि हमारा प्लाव है जो वो बार बार ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि दोस्तों हर ट्रैक्टर में ये तीनों छेद इसी तरह से लगते हैं, अब किसी किसी ट्रैक्टर में जो है पंप नीचे की तरफ भी आते हैं, ये स्वराज ट्रैक्टर है तो इसमें ऊपर की तरफ आता है, तो ऊपर की तरफ आता है इसीलिए ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है, बीच वाले में कम और नीचे वाले में कम। अगर पंप नीचे की तरफ लगा हो तो फिर नीचे वाले में सबसे ज़्यादा सेंसिंग होगी और ऊपर वाले में कम होगी, तो वो पूरा पंप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से दोस्तों जो है इसका सेंसर काम करता है, अगर आप इसको कल्टीवेटर पर चलाएंगे तो बीच वाले में सबसे बेस्ट रहेगा। अगर जो हार्ड उपकरण आप चला रहे हैं हार्ड ज़मीन में बड़ा उपकरण जैसे प्लाव हो गया, तो उसके लिए नीचे वाला, इसमें बहुत ही कम सेंसिंग होगी जिससे कि जो है हमारा ड्राफ्ट लीवर जो ड्राफ्ट ऑटो ड्राफ्ट डीप एंड ड्राफ्ट कंट्रोल है वो बहुत ही कम काम करेगा जिससे कि बार बार ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी, और उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आएगी। सो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।